हेलो दोस्तों, घी तो बहुत लोग बनाते होंगे घर पे, तो एक बार मेरे तरीके से भी ट्राई करिए। तो चलिए चलते हैं किचन में। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो इस घी तो बहुत लोग बनाते हैं अपने तरीके से, लेकिन एक बार मेरे तरीके से ट्राई करके देखिए। बहुत ही ईजी है, 5 मिनट में बन जाएगा, 5 मिनट में। चलिए चलते हैं। यहाँ हम मलाई इकट्ठा करके रखे हैं, दूध के ऊपर की मलाई। और इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। गर्मी के दिन में निकाल रहे हैं अगर की, तो ठंडा पानी डाल के निकालेंगे। अगर हम ठंडी में कर रहे हैं तो नॉर्मल पानी डालेंगे इसमें। अगर ठंडी में आप निकाल रहे हैं और ना निकलेगी तो उसमें हल्का सा गुनगुना पानी करके डाल देंगे, तो अपने आप निकल जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और चलाएँगे मिक्सी को, रुक रुक के चलाएंगे। 2-3 बार आप चलाएंगे तो बस मक्खन निकल जाएगा अपने आप। देखिए यहाँ एक बार हम पानी डाल के चला लिए हैं। यहाँ हमारा मक्खन दूसरी बार में अपने आप निकल गया। देखिए कितना अच्छा निकला है। घर का बात ही कुछ और होता है और स्वाद भी लगता है। यहाँ मेरा मलाई ज़्यादा इकट्ठा हुआ था तो ज़्यादा मक्खन निकला है। इसको हम गैस से बैठा देंगे और धीमी आंच पे चलाते रहेंगे। आप ध्यान से चलाना, क्योंकि ये आप लगातार चलाना ही है, नहीं तो बीच में छोड़ देंगे तो नीचे जल जाएगा। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक इसको लगातार चलाते रहेंगे। देखिए यहाँ लगभग हमारा घी निकल चुका है 80% तक। लगातार चला रहे हैं इसको और नीचे जलेगा भी नहीं आपका। देखिए यहाँ पे हमारा घी तैयार है, एकदम शुद्ध देसी घी है। फिर इसको हम ठंडा करके और छन्नी से छान लेंगे और हमारा घी तैयार है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आप भी ऐसे ट्राई करिए।